हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसपैक की जानकारी पर। दोस्तों आज है 5 मई 2023 और 4 मई 2023 का एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए 4 मई में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालाइज करते हैं, जिसमें आपका जीके, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए हम सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देखते हैं। और ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। दोस्तों ये प्रश्न देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चुन्नी गोस्वामी, जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, वे एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी थे। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम अपना राजतत्व कब मनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवा में अभिक्रिया करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सल्फर से अभिक्रिया करती हैं। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? दोस्तों हेमिस मठ आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? दोस्तों केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। वेम्बनाड झील जो है कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलयन के अनुसार निम्न में से किस बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलयन कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा कॉर्पोरेशन बैंक का। निम्न में से कौन दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर होगा थॉमस बाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद दौला के प्रभाव में शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस या अमीबी दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी समूह के अमीबा के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एंट अमीबा के कारण होता है ये अमीबियासिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य के शासन विक्रमादित्य 5 की जीवनी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्हण। विक्रमादित्य 5 की जो जीवनी लिखी थी वो बिल्हण ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? दोस्तों मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? मांजुली जो है आपका ब्रह्मपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330 है, सॉरी 330, अनुच्छेद 330 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपका है अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? मट्टनचेरी महल जो है कोच्चि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन के प्रकार हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन किसके प्रकार है? अमीनो अम्ल के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्था द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया कराया जाता है? इसका राइट आंसर है भारत का चुनाव आयोग। ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग जो कराता है वो भारत का चुनाव आयोग ही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलकर ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है गोरी गंगा जो है कि सरयू नदी को ही गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व तो प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका होगा आस्मियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोलाइसिस चरण में पाइरुविक अम्ल में विघटन होना शामिल होता है, इसका जो है विघटन ग्लूकोज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फूल के अंडाशय के अंदर मन 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 के जैसा, इसका देखो दोस्तों यहाँ पर है कि एक फूल के अंडाशय के अंदर मन के जैसी छोटी संरचना को कहा जाता है, एक मन के जैसी छोटी संरचना बन जाती है फूल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड। बीजांड का जो आकृति होती है वो एक मन के जैसी होती है, जैसे जो मटका नहीं होता उसी के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आजादी पुस्तक के लेखक जो है कि
अरुंधति है, अरुंधति यहाँ पर अरुंधति राय इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला कौन सा भारतीय राज्य है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन से सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी का अध्ययन को कहा जाता है? दोस्तों ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर माइकोलॉजी के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पंडा कहलाता है? दोस्तों लाल पंडा किस पशु को कहते हैं ये पूछा गया, तो किस राज्य के पशु कहते हैं, तो सिक्किम है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में शिवाला तेजा सिंह मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? दोस्तों शिवाला तेजा सिंह मंदिर जो है आपका प्राचीन हिंदू पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका पूरे 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुके हैं जो कि एसएससी के एमटीएस में पूछे गए थे, 4 मई में पूछे गए थे। मैंने सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके एक वीडियो में पूरा समझा दिया है। थैंक यू दोस्तों, अब आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि एसएससी एमटीएस में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिनका आने वाले दिनों में पेपर होने वाले हैं वे इस वीडियो को अच्छी तरह देख कर जाए, इसी टाइप के क्वेश्चन एमटीएस में एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।